दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अपॉन फिफ्टी में आपका स्वागत है। हमारी लूसेंट जीके की स्टडी चल रही है। यह लूसेंट जीके का पार्ट 11 है और इसमें हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट 2 की। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। वे दो अन्य जो गए थे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्री, सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे। सोयुज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैंकावुर कास्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए थे। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इन्होंने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की और उन्होंने पूछा अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने, 139वें अंतरिक्ष यात्री बने थे और भारत 14वां राष्ट्र बना था मानव भेजने वाला देश। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। प्रथम महिला थी कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी, भारतीय मूल की थी और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात ही नष्ट हो जाने से हो गई थी। तो इनकी मृत्यु अंतरिक्ष में जाने के समय ही हो गई थी। यह भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट था और यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV-C11 के जरिए किया था। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था और द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा था। तो पहला गया था सोवियत संघ के द्वारा और दूसरा जो चंद्रमा का अभियान था वह अमेरिका ने किया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान और चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश था जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ था। 11 पेलोड युक्त चंद्रयान फर्स्ट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक के बेंगलोर से 40 किलोमीटर दूर ब्यालालू में की गई है और यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजे गए। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया था और इसे मून इंपैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया गया। भारत का मंगल मिशन, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन जिस मंगलयान का नाम दिया गया 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया और इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। तो मंगल पर पहुंचने वाला देश भारत था और यह विश्व का पहला देश था जो कि मंगल मिशन में सफल हुआ था। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की
परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ था। नासा, ESA और रास कोस्मास के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए है। मंगल यान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जा सकेगा। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी SLV-3। साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा और 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूर्व 5 सदस्य थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन। SLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन प्रणोदक ठोस था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण किए गए, जिसमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 की SLV-3 की चतुर्थ और अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ASLV संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV वास्तव में SLV-3 का संवर्धित रूप है। इसे 100 से लेकर के 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक ईंधन से चलने वाले ASLV के स्टेप ऑन प्रथम और द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाइन प्रणोदक NTPB प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिसमें से ASLV-D1 24 मार्च 1987 और ASLV-D2 13 जुलाई 1988 की प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए थे। PSLV 200 किलोग्राम वर्ग तक के 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया और PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन HTPB का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया पर क्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसीमेट्रिकल और अनसीमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है।
PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल और द्वितीय और तृतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। PSLV-C3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख सकेगा। जीएसएलवी की एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। जीएसएलवी के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदकों के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक के प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस एवं द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। जीएसएलवी की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को असफल रही और GSLV-D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थितिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया और लगभग 1,000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV-D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2, इसका वेट था 1,800 किलोग्राम, को पृथ्वी की समानांतर कक्षा में 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया गया। इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV-D2 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया, जो भूस्थितिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता पहले सिद्ध कर चुके थे। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ निम्न तापिकी है। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायोस से बना है, जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न तापिकी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान क्रायोजेनिक ताप कहलाता है। निम्न ताप अवस्था क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजन में अति निम्न ताप -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को सरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इस इंजन की प्रमुख विशेषता है, क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है, वह ठोस इंजन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिचालित होने वाले इंजन की ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्रणोदक की प्रति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है, इसमें जिससे यान को अधिक बल थ्रस्ट मिलता है। क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न क्रायोजेनिक अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया था। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो
ने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर जीएसएलवी D5 क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। इससे पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस ने प्राप्त की है। भारतीय परमाणु अनुसंधान डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 सितंबर 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि और कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रौद्योगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है, जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। कामिनी संक्षिप्त रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी ने 17 सितंबर 1977 से काम करना शुरू कर दिया। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रौद्योगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, वहीं कामिनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाता है। इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैप सोडी रिएक्टर पर आधारित है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कैट 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका के हेजेस प्रयोगशाला में थियोडोर मेनन के द्वारा की गई थी। लेजर का जो
प्रयोग है। इसकी खोज थियो डोर मेनन के द्वारा 1960 में की गई थी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हमने हाईलाइट कर दिया है। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां संस्थान है परमाणु पदार्थ निदेशालय, यह हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये मुंबई में है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में है। यह क्वेश्चन आ चुका है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड यह मुंबई में है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, यह केंद्र परमाणु भौतिकी परमाणु रसायन शास्त्र विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन और रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत के परमाणु विद्युत गृह परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत लिमिट निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था और तारापुर परमाणु भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह अमेरिका से आयोजित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाती है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के परमाणु विद्युत गृह के बारे में। पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, यह महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1, 2 व विद्युत गृह 3, यह है रावत भाटा राजस्थान में। परमाणु मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 और 2, यह है कल्पक्कम तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, यह है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद काकरा पार परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, सूरत गुजरात में है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैगा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, ये कर्नाटक में है। निर्माणाधीन जो विद्युत गृह है वह काकरा पार परमाणु विद्युत गृह 3, यह सूरत गुजरात में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 4, यह रावत भाटा राजस्थान में है। और कुडन कुल्लम परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निर्माण हेतु संस्तुति, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 व 4, यह महाराष्ट्र में। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 व 8, रावत भाटा राजस्थान में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था और दूसरा यूएसए में। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है, पोखरण 1974 में पोखरण में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया था। यह भी पूछा जाता है पोखरण कहाँ पे है और पोखरण का पहला परीक्षण कब किया गया था, तो यह डेट भी याद रखिएगा और कहाँ पे है पोखरण यह भी याद रखना है। तो डेट है 18 मई 1974 और ये पोखरण जो है यह जैसलमेर राजस्थान में है। भारत ने पहला परीक्षण किया था, स्वदेशी परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था और पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया।
जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया और इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। सब किलो टन अर्थात 1 किलो टन से कम विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो भी इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय वैज्ञानिकों को दिया जाता है संयुक्त रूप से। इन 3 वैज्ञानिकों के नाम है आर चिदंबरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का भी उपयोग किया गया था। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण, परीक्षण की तिथि 11 मई 1998, थर्मोन्यूक्लियर यह था 43 किलो टन का, 11 मई 1998 को विखंडन 15 किलो टन का और 11 मई 1998 को लो यील्ड जो 0.2 किलो टन का था, 13 मई 1998 को लो यील्ड यह इसकी क्षमता थी 0.3 किलो टन और 13 मई 1998 को ही लो यील्ड जिसकी क्षमता थी 0.5 किलो टन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडस यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल फोकस अप 2020 को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।